सो गाइज, मेरे चैनल पे मैंने आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे जो मैंने 5 रुपीज़ में खरीदे थे। मतलब इतने अच्छे स्किन के प्रोडक्ट्स 5 रुपये में मिलते हैं मार्केट में, वो सबका मैंने वीडियो बनाया। वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो जाओ और मेरा वीडियो देखो। उसमें मैंने कैसे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ 5 रुपये में मिलते हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं गाइज, एक भी लोकल प्रोडक्ट नहीं है। बट आज की वीडियो में कुछ हैक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए, और उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज़ करके मैंने हैक्स बनाए हैं जिससे आप अपना पूरा स्किन केयर कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ऑसम स्किन केयर होगा इसका यूज़ करके। सो वो सब देखने के लिए ना वीडियो में बने रहो मेरे साथ। सो एंड इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, जाके वहाँ फॉलो करो, वहाँ पर मेरा हैंडल सुरस्वीत है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अरे चलो 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 जल्दी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब टू सुरस्वीत चैनल। गाइज मेरे वीडियो ना शाम को 7 बजे आते हैं, तो शाम को 7 बजे ना मेरा वेट जरूर करना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैक्स हैं, स्किन केयर हैक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं इन 5 रुपये के प्रोडक्ट को यूज़ करके। लेट्स सी। सो गाइज, स्टेप 1 है हमारा फेस स्क्रब बनाने का, और उसके लिए मैंने ये डाबर गुलाबरी ली है, और इसका मैं थोड़ा सा इसको बोल में ले रही हूँ, एंड इट इज़ जस्ट 5 रुपीज़ गाइज। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी, और ये बहुत ही बढ़िया हमारा जो फेशियल स्क्रब है वो बन गया गाइज। कॉफ़ी जो होती है ना, जो टैनिंग हो जाती है हमारे फेस के, उसको रिमूव करती है, और इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं। अभी फेस एकदम से डल लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो भाई स्क्रब लगाते हैं। हमेशा स्क्रब लगाने से पहले ध्यान रहे कि आपका फेस जो है उसको वेट कर लें, सूखे फेस पे कभी भी स्क्रब नहीं लगाना चाहिए। मतलब वैसे तो मैंने तो फेस वॉश करके फिर मैं स्क्रब लगा रही हूँ, और इसको पूरे फेस पे लगाएं, हल्के हाथ से मसाज दें, और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत ही रिफ्रेशिंग इसकी खुशबू होती है ना वो आएगी। सो इसको करने 2-3 मिनट करने के बाद जस्ट वॉश योर फेस एंड वी विल मूव ऑन टू आवर स्टेप नंबर 2। सो गाइस, अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में मैं डाबर गुलाबरी ही ले रही हूँ, और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा प्यारा सा बढ़िया सा हनी, और इसको अच्छे से मिक्स करना है गाइस। अभी जो वेदर है ना, एकदम ड्राई वेदर है, उसके लिए ना ये फेस पैक बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, उनके लिए तो वरदान है, बाकी सभी स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसे ट्राई किया एंड इट वॉज अमेजिंग। सो इसको लेना है और फेस पे अच्छे से लगा लेना है। हनी जो होता है ना गाइज, वो एकदम से ग्लो लाता है फेस पे, और ये जो गुलाबरी है ये आपके फेस के अंदर से पेनेट्रेट होगी और जो भी ड्राइनेस है उसको रिमूव करेगी और स्किन को एकदम से ग्लोई शाइनी बनाएगी, जो कि आप वीडियो के एंड में आप देखना कितना अच्छे से ग्लो आता है फेस पे। सो अच्छे से फेस पैक को लगाना है एंड लेट इट स्टे फॉर गुड 5 or 10 मिनट्स, और उसके बाद फेस को अच्छे से वॉश कर लें। नाउ वी मूव ऑन टू आवर स्टेप नंबर 3, और इसमें हम बनाएंगे मॉइस्चराइज़र। सो डेली मॉइस्चराइज़र जो आपको इसके बाद लगाना चाहिए, हमेशा जब भी आप स्क्रब करें, फेस पैक लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो डाबर गुलाबरी ही लिया है, और इसके अंदर मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाला है गाइस। इस विटामिन ई के जो कैप्सूल होता है उसके अंदर ऑयल निकलता है, बहुत ही बढ़िया ऑयल है गाइस, और बहुत ही रीज़नेबल ये मिलता है। मतलब इतने सारे कैप्सूल आपको आई थिंक 10 या 15 रुपये में मिल जाते हैं, बहुत ही रीज़नेबल है। अभी भी आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है सिर्फ 2 स्टेप्स करने के बाद। और ये मॉइस्चराइज़र को अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा वार्म अप करें एंड उसके बाद अपने स्किन में उसको अच्छे से लगाएं, जिस बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो एकदम से शाइन आ जाती है फेस पे इस स्किन केयर के बाद। और बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही बेसिक मैंने जो घर के इंग्रेडिएंट्स उसको यूज़ किया, यू कैन एक्चुअली सी द ग्लो ऑन माय फेस अब ये 3rd स्टेप के बाद ही। सो दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ होम मेड प्रोडक्ट्स। अब बनाते हैं 4th प्रोडक्ट हमारा, और वो है हमारा लिप बाम। और ये बहुत ही स्पेशल लिप बाम है, इसके अंदर वैसलीन लेनी है हमारी, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी वैसलीन तो लेनी है, जो कि बहुत अच्छी है स्किन को मॉइस्चराइज करने के। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी। दालचीनी घर में भी है ना, तो उसको अच्छे से कूट के छोटा पाउडर ही बना के भी डाल सकते हो, बहुत रीज़नेबल मिलती है दालचीनी, इज़ वेरी रीज़नेबल। और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, लिप्स के लिए बहुत अच्छा है, लिप्स बहुत ड्राई पैची लग रहे हैं, इसको अच्छे से लगाओ। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, यू कैन एक्चुअली फील द टेस्ट ऑफ सिनेमन एंड बहुत अमेजिंग ये लगता है। अब मेरा लास्ट स्टेप है हमारा अंडर आई जेल। जी हाँ, अंडर आई जेल भी बनाएंगे। इसके लिए वैसलीन लेनी है आपको, और इसके अंदर हमें डालना है विटामिन ई का कैप्सूल का ऑयल
and you're done. Yes, you are done and your amazing under eye gel is absolutely ready. Dark circles बहुत हो रहे हैं guys, बहुत ज़्यादा screen time बढ़ गया है mobiles पे और laptops पे, तो आँखों को rest नहीं मिल पाता. इसको लगाओ, बहुत अच्छा रहेगा. डार्क सर्कल्स रिमूव होंगे, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा ये. और कितना सिंपल है बनाना, और बिल्कुल बेसिक और सस्ते बढ़िया हमारे इंग्रेडिएंट. एक भी चीज़ मैंने लो क्वालिटी की नहीं ली है इसके अंदर, और बहुत ही प्यारा बहुत ही अमेजिंग स्किन केयर बनाया. इस बात पे ना एक लाइक तो दे दो गाइज, एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड यू कैन एक्चुअली सी द फाइनल रिजल्ट एंड ग्लो ऑन माई फेस. बहुत अच्छा लगा मुझे इसको करके भी, एंड आई रियली फेल्ट सो गुड. So you can see guys, I've made 5 products using just 5 rupees के ही product को मैंने लिया है, और 5 अपने homemade products बनाए हैं skin care के. Those are amazing. So guys, I hope आपको ये hacks बहुत ही मस्त लगे होंगे, बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही किफ़ायती हैं, सबसे बड़ी बात है, और skin के लिए बहुत अच्छे रहेंगे. आपके लिए awesome skin बनेगी, आपकी इतनी खिलती खिलती skin बनेगी. सो इसका ज़रूर फॉलो करना, ये रूटीन फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड जब भी ये रूटीन फॉलो करना, हमें ज़रूर याद करना गाइज, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों से कनेक्ट होना, लोगों को दोस्त बनाना. यार मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, सब इतने सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, इतने सारे कनेक्टेड रहते हो सब. इंस्टाग्राम पे भी मुझे DMs आते हैं आप सबके, मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ. सो यार आपके कमेंट्स भी आते हैं YouTube पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना. मतलब एवरी डे सुबह उठ के सबसे पहला काम ये होता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि मुझे ना बूस्ट देता है, एनर्जी देता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए. सो इसी तरह मेरे साथ बने रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, चिल्ड आउट रहें, मस्त रहें, हमसे जुड़े रहें. टेक केयर.